दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पल्स कंपनी के खिलाफ 11 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। तो अब सभी पीएसएल निवेशकों का एक ही सवाल है कि क्या निवेशकों के हित में कोई फैसला आया कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्या फैसला आया है। ऑल इंडिया ग्राहक एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सत्यव्रत शास्त्री ने बताया कि दिल्ली में चल रहे पल्स कंपनी के निवेशकों के धरना प्रदर्शन के मध्य उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आखिरी फैसले में लोढ़ा कमेटी व पल्स ग्राहक एसोसिएशन की अपील पर कुछ गाइडलाइन जारी की है। इससे निवेशकों का पैसा जल्द वापस मिलने की संभावना बढ़ गई है। उच्चतम न्यायालय ने कंपनी से किसी प्रकार एडवांस, कमीशन, लोन, संपत्ति खरीदने के लिए अग्रिम राशि के रूप में पैसा लेने वालों को 45 दिन में राशि जमा कराने को कहा है। पीएसएल की दूसरी संपत्तियों को बेचने में भी कुछ लोगों को प्रतिबंधित किया गया था और केवल ऑनलाइन ही बेचने का आदेश था। उस आदेश को भी वापस ले लिया गया है। अब खुली बोली लगाकर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। दोस्तों, पहले यह नियम था कि पल्स संपत्ति को वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही बेचा जा सकता था। इसी कारण पल्स की अधिकतर संपत्ति नहीं बिक पाती थी, लेकिन अब वह नियम हटा दिया गया है। अब कोई व्यक्ति लोढ़ा कमेटी के ऑफिस जाकर पल्स प्रॉपर्टी को देख व खरीद सकता है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पीएसएल को 2800 करोड़ रुपए जमा कराने को भी कहा है, जिसे कंपनी ने अपने ब्रोकर और एजेंटों को एडवांस में दिए थे। अगर दोस्तों आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं और दोस्तों वहाँ पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MTD न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।